जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग बताइए ऑल लो ओके बढ़िया हैं मजे में हैं खुश हैं बढ़िया हूँ भाई थोड़ा सा फीवर है बिल्कुल अभी दवा खा के आया हूँ <coughs> तो क्लास को शुरू करें आज एक ही क्लास होगी और वो डेढ़ घंटे की क्लास होगी ठीक है बिल्कुल भाई चलिए तो आगे बढ़े यहां पे सवालों को हल करें क्वेश्चन नंबर अट्ठारह के बाद से चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहा गया है कहा गया है एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें एंगल बी का मान नब्बे है डी और ई e नाम के जो पॉइंट है वो बी सी पर हैं इस तरीके से बी डी डी और इसी बराबर हैं तो इसमें से दिया गया कौन सा कथन जो है वो सही है ठीक है बताइए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ज्यादा टफ है नहीं आराम से बनाया जा सकता है कोशिश करेंगे आज ज्यादा से ज्यादा सवालों को सॉल्व करने की और शीट में जितने भी ये सवाल हैं सारे के सारे अच्छे लेवल के सवाल हैं जो आपको आपके मेंस में देखने को मिलेंगे और आपके प्री में तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है तो जैसा कि सवाल में कहा गया वैसा हम बनाते हैं एक त्रिभुज हमें ए कहा गया तो हम ए नाम का एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एंगल बी का मान जो है वो नब्बे कहा गया है D और E जो है वो BC पर पॉइंट है यानी D पॉइंट यहाँ पर देंगे और E पॉइंट हम यहाँ पर देंगे इसके अलावा हमसे कहा गया B से लेकर D तक D से लेकर E तक और E से लेकर C तक ये सब बराबर है ठीक है तो इसमें से दिया गया कौन सा कथन जो होगा वो सही होगा ठीक है इसमें से दिया गया कौन सा कथन जो होगा वो सही होगा अब एक तरीका माइडियर क्या होता है कि इसको बैठकर आप प्रूफ करो कि हाँ भैया ये जो कहे है ये सही है कि गलत है और दूसरा तरीका क्या है कि आप वैल्यू रखकर सेटिस्फाई करो <स्थिण> समझ में आ रहा है जैसे मानिए आपके परीक्षा में यह सवाल आता है तो आपके परीक्षा में यह सवाल आता है तो क्या तरीका है एक तरीका तो यह है कि हम यहां पर इसको पूरा प्रूफ करके एक लेके आए और दूसरा तरीका जो होता है जहां मुझे लगता है कि हम एक ट्रिपलेट मानते हैं जैसे मानो हम इसको मानते हैं कि यह पूरा तीन है तो ये हमारा चार हो जाएगा यह हमारा पांच हो जाएगा तीन चार पांच में यह हमारा एक हो जाएगा एक हो जाएगा एक हो जाएगा ठीक है उसके बाद सवाल में हमें किसकी तुलना कही गई है ए ही की तुलना कही गई है तो ए ही हमें निकालना पड़ेगा किसके साथ ए सी और एडी के साथ है तो एक पल के लिए अगर आप यहां पर एडी निकालते हैं तो चार का स्क्वायर सोलह और एक कितना हो जाएगा ये सत्रह हो जाएगा ठीक है आप गौर से देखिए तो आप AD निकालेंगे तो AD का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर और BD के स्क्वायर के यानी यहाँ पर यह सत्रह हो जाएगा रूट में उसी तरीके से जब आप ए निकालेंगे यहां पर ए निकालेंगे तो चार का स्क्वायर सोलह और यहाँ पर दो का स्क्वायर चार बीस सोलह और चार बीस बीस का मतलब दो रूट कितना हो जाएगा दो रूट पांच हो जाएगा ए का मान कितना हो जाएगा दो रूट पांच हो जाएगा यहां पर हमने अपने तरीके से मान लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे सभी मान आ गए हैं और अब हम यहाँ पर उसको बैठकर सेटिस्फाई करेंगे ठीक है ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे कि क्या 8 पहला ऑप्शन को देखो तो क्या आठ इंटू स्क्वायर ए का स्क्वायर कितना है भैया तो बीस है बराबर है तीन इंटू एसी के स्क्वायर के तो ए सी का स्क्वायर कितना है पच्चीस जमा पांच इंटू एडी का स्क्वायर कितना है तो सत्रह इनका मान जो है आठ दूनी सोलह 16, एक सौ साठ आएगा पच्चीस नंबर बी करेगा ना ऑप्शन नंबर सी करेगा ना ऑप्शन नंबर डी करेगा ये मेरी गारंटी है ठीक है क्योंकि किसी भी एक मान पर कोई भी एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकता है ऐसा नहीं है कि दो या तीन प्रॉपर्टी कर ले क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक है अगर यहाँ पर यह त्रिभुज है तो अगर यह त्रिभुज है यहाँ पर तो हम इसको कैसे प्रूफ करें कि भैया कौन सा साइड किसके बराबर है जैसे मानो अगर मुझे बोलना हो कि एसी ए बी बी सी स्क्वायर एबी और बीसी के बराबर है कि नहीं तो हम यहां पर देखेंगे बकायदा कि चार का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर क्या पांच के बराबर अगर है तो भैया ठीक है समझ में आ गया बात बाकी लगा लगाकर करोगे तो पहली बार आपको ट्राइंगल एबीडी लेना पड़ेगा दूसरी बार बी ई e लेना पड़ेगा फिर तीसरी बार आपको एबीसी लेना पड़ेगा फिर वहां आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा और तब प्रूफ लगाकर जो है तब आपको इसको साबित करना पड़ेगा ठीक है समझ में आ गया बात मेरे चलिए <coughs> आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर अट्ठारह हो गया क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ऐसे सवाल सीरियस में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और मैंने बार बार कहा है कि ऐसे सवालों में सॉल्व uh, मान लेकर आप बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आ जाइए अगला क्वेश्चन आपके मेंस का क्वेश्चन है और मेंस का क्वेश्चन भी देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में ठीक है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एक हमसे कहा गया कि आपको ट्राइंगल ए लेना है जहां पर एंगल सी का मान जो है वो नब्बे है तो हमने कहा ठीक है हम ट्राइंगल ए लेते हैं ये हमारा ट्राइंगल ए हो गया बी हो गया सी हो गया जहां पर सी का मान नब्बे है पी और क्यू जो है वो ए सी और बीसी पर है पी हमारा किस पर है ए सी पर है और क्यू हमारा किस पर है तो बीसी पर है ये हमसे कहा गया है इस तरीके से कि ए पी और पी सी का जो रेशियो है वही रेशियो बी क्यू और क्यू सी बहुत शानदार है बहुत शानदार ये सवाल है आप समझेंगे एपीपीसी का जो रेशियो है एपीपीसी का रेशियो कितना है तो वन रेशियो टू है और वही रेशियो है हमारा बी से लेकर क्यू ये 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 भी भी है 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 इन्होंने कहा उस केस में इन्होंने हमसे पूछा है कि ए क्यू का स्क्वायर और बीपी का स्क्वायर डिवाइड करेंगे किसके ए बी के स्क्वायर के साथ तो मान कितना होगा ठीक है डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना होगा यानी ए बी का स्क्वायर देखो यहां पे ए क्यू का स्क्वायर और बी क्यू का स्क्वायर ठीक है एक क्यू का स्क्वायर बीपी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एबी का स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी गलती से यहाँ पांच बटे चार मत टिक कर देना पांच बटे चार आपके ऑप्शन में है भी नहीं क्यों नहीं है क्योंकि आपसे हमेशा कहा जाता है कि क्यू नाम का एक पॉइंट है जो इसके ऊपर है और पी नाम का पॉइंट है जो इसके ऊपर है या मिड पॉइंट अगर कहा जाता है तो आप बोलते हैं कि ठीक है सर एक क्यू का स्क्वायर और बी क्यू का स्क्वायर भाग में इतना बराबर पांच बटे चार जब मिड पॉइंट कहा जाता है तो लेकिन यहां पर इनका जो रेशियो है वो अलग अलग है अगर यहां पर इनका रेशियो अलग अलग है तो क्या करेंगे बहुत आसान है कोई दिक्कत की बात नहीं है <क्र्थथ> अब बहुत लोग बोलेंगे सर इसको x मान लो x मान लो इसको y मान लो y मान लो मैं कहता हूं मैं x और y नहीं मानूंगा मैं एक पल के लिए कहता हूं कि ये भी साइड मेरी तीन सेंटीमीटर है ये भी साइड तीन सेंटीमीटर है तो क्या इसमें किसी को कोई हर्ज है बताओ जरूरी है क्या हर बार x और y मान के बनाना नहीं जरूरी है तो हम क्या करेंगे इसको बोलेंगे तीन सेंटीमीटर तुम भी हो तीन सेंटीमीटर तू भी हो अगर हमें यहां पर एक का स्क्वायर पता करना होगा तो बताओ मुझे एक यू का स्क्वायर कितना तो एक यू का स्क्वायर बराबर तीन का स्क्वायर जमा दो का स्क्वायर ठीक है तो तीन का स्क्वायर दो एक तीन तीन का स्क्वायर कितना हो गया तो नौ और दो का स्क्वायर कितना हो गया तो चार यानी यहां माना जाएगा तेरह उसी तरीके से मुझे बीपी का स्क्वायर पता करना होगा तो मैं बीपी का स्क्वायर बताऊंगा तो कितना हो जाएगा तीन का स्क्वायर नौ और यहां पर कितना हो जाएगा दो का स्क्वायर चार यानी ये भी हो जाएगा तेरह ठीक है और जैसा कि आपको पता ही आइसोस के लिए है तो हम इसको सीधा बराबर बीपी भी लिख सकते हैं कि बीपी का स्क्वायर बराबर एक्यू का स्क्वायर ये दोनों के दोनों कितने आएंगे तेरह क्योंकि जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके द्वारा डाले गए दोनों जो पॉइंट होंगे वो भी क्या होंगे बराबर होंगे ठीक है अब उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर ए बी के स्क्वायर के बारे में कि ए बी का स्क्वायर जो है वो कितना है तो ए बी का स्क्वायर कितना तीन रूट दो हो जाएगा या अठारह भी कह सकते हो तीन का स्क्वायर नौ और तीन का स्क्वायर नौ नौ और नौ कितना हो जाएगा अट्ठारह हो जाएगा सवाल में कहा गया ए क्यू बी पी को जोड़कर ए बी से भाग कर दो ठीक है यानी यहां पर हमसे कहा गया है कि ए क्यू का स्क्वायर जमा बी पी का स्क्वायर और भाग करना है किसके साथ आपको ए बी के स्क्वायर के साथ तो कर दो भैया तेरह जमा तेरह और बटे में कितना अठारह तो यहां पर आ जाएगा हमारा छब्बीस बटे अठारह जिसको हम क्या लिख सकते हैं तेरह बटे नौ जो कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है करेक्ट आंसर है सीजल मेंस का क्वेश्चन था कोई ज्यादा टफ था नहीं इसको तीन मानते तो ये निकल आता मानते ये निकल आता और फिर उसके बाद ये भी निकल आता और कंपेयर कर लेते ठीक है मतलब आपका इसको प्रॉपर्टी से रिलेट करवाना चाहता था बट आपने नहीं किया ये एक अच्छी बात है ठीक आ जाइए क्वेश्चन नंबर बीस में आ जाइए क्वेश्चन नंबर बीस में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर बीस में कहता है एक ट्रायंगल एबीसी है जहां पर एबी का मान दिया गया है एसी का दिया गया है बी सी का दिया गया है आपसे एंगल बी का मान पूछा है इतिहास के सबसे आसान शिफ्ट समझिए कि जितना आज तक प्री इतना आसान नहीं था उससे भी ज्यादा आसान मेंस था 18 तारीख का 18 नवंबर 2020 का ठीक है और इतने आसान पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने है ठीक है आपको एक त्रिभुज दिया गया है उस त्रिभुज में कहीं नहीं कहा गया कि कौन राइट एंगल है नहीं है एक पल के लिए बस हम वैल्यू को ले, ले लेते हैं मान लीजिए कि हम इस त्रिभुज का नामकरण करते हैं कि यह त्रिभुज क्या है एबीसी है ठीक है जहां पर एबी का मान आपका कितना है तो छ रूट तीन है उसके बाद आपका ए सी का मान है बारह और बी सी का मान है छ आपसे कहा गया ये जो बी है ना एंगल बी का मान बताओ एंगल बी का मान कितना होगा अब अगर आप देखोगे ना यहाँ पर ये जो रेशियोज हैं तो आपको एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं जब ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ेंगे तो वहां पर हम छोटे छोटे बातों को जानेंगे लेकिन उसके पहले थोड़ी सी कुछ छोटी बातों को आप यहां पर जान लीजिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है पॉइंट नंबर वन क्या होता है अगर ये हमारा 90, 60 और 30 का हमारा ट्रायंगल है आप ऐसे समझेंगे 90, 60 और 30 का तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 90 के सामने वाली भुजा दो होती है 30 के सामने वाली भुजा एक होती है 60 के सामने वाली भुजा रूट तीन होती है ये आपको हमेशा रेशियोज ध्यान रखने हैं कि 60 के सामने हमेशा रूट तीन आता है 90 के सामने दो आता है और यहां पर 30 के सामने कितना आता है तो एक आता है अगर हमारा ये 90, 45 और 45 का ट्रायंगल है कि ये आप 90 कह रहे हैं इसको 45 कह रहे हैं और इसको 45 कह रहे हैं तो 45 के सामने एक इस 45 के सामने एक और 90 के सामने रूट दो मतलब ये दो ट्रायंगल आपको रेशियोज पता होने चाहिए तब आप सवालों को बड़ी आसानी से बना पाएंगे ठीक है अगर ये रेशियोज नहीं पता है तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं समझ में आ गया बात इसी को आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो कि नब्बे को यहां लिखो साठ को यहां लिखो और तीस को यहां लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता तीस छोटा है तो उसके सामने एक आएगा साठ बड़ा है तो उसके सामने रूट तीन आएगा और नब्बे सबसे बड़ा है तो उसके सामने दो आएगा क्यों भैया छोटे कोन के सामने छोटा साइड उससे बड़े के साइड उससे बड़ा और सबसे बड़े के सामने सबसे बड़ा आप लिख सकते हो यहां पे उसी तरीके से जब आप इस सवाल में देखोगे तो इस सवाल में जो आपका रेशियो है छह से काटो तो एक बार में कट रहा है दो बार में कट रहा है और ये रूट तीन बार में कट रहा है तो एक रूट तीन और दो आप खुद बताओ मुझे किस ट्रायंगल का अनुपात होता है तो आप बोलेंगे सर तीस साठ और नब्बे का होता है जहां पर दो के सामने कितना होता है तो नब्बे होता है यहां पर ठीक है एक के सामने कितना होता है तो तीस होता है और रुटीन किसके सामने होता है तो साठ के सामने तो अगर इस ट्रायंगल में हमें बी का मान पूछेगा तो बी का मान हम कितना बताएंगे नब्बे बताएंगे हम से का पूछेगा तो तीस बताएंगे सी का पूछेगा तो साठ बताएंगे क्लियर है यहां पर कोई समस्या की बात यहां पे कोई परेशानी की बात बाकी इसमें अगर किसी स्टूडेंट को वैसे बुद्धि नहीं चलता तो पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव करके देख लेता कि छे का स्क्वायर और छ रूट तीन का स्क्वायर क्या बारह के स्क्वायर के बराबर है अगर स्क्वायर के बराबर है तो ये कौन कितना होगा नब्बे और अगर मानो उसको नहीं समझ में आता उसने मान लो इस सवाल को परीक्षा में ऐसे नहीं किया होता उसने इस सवाल को परीक्षा में कैसे किया होता उसके दिमाग ऐसे चलती ही नहीं मैं मानता हूं कि मैं वो स्टूडेंट हूं ठीक है जिसका दिमाग ऐसे चल ही नहीं रहा है कि तुमको ये पाइथागोरस प्रूफ करना है या नहीं करना है तो मैं परीक्षा हॉल में होता तो मैं ये सवाल को कैसे बनाता समझेंगे मेरी बात को ठीक है अगर मान लीजिए कि मैं परीक्षा हॉल में होता और मेरी बुद्धि इतनी नहीं चलती तो मैं सवाल को कैसे बनाता कोई भी स्टूडेंट होता है तो जनरली वो ट्रायंगल को कैसे बनाता है उसके माइंड में त्रिभुज का मतलब ये फोटो होता है ठीक है उसके माइंड में त्रिभुज का फोटो ये होता है उसको सबसे पहले ये ए नजर आता है ये बी नजर आता है और ये कितना नजर आता है सी नजर आता है ऐसी कहानी उसके दिमाग में चल रही होती है ए बी का मान वो कितना लेता है तो छ रूट तीन लेता है यहां पर ए सी का मान कितना लेता है तो बारह लेता है और बी सी का मान लेता है छे और उसका एग्जामिनर एंगल बी का मान यानी थीटा का मान पूछता है मान लो कि पीछे वाले फोटो में ऐसे उसके बुद्धि में ना चला और उसके दिमाग में उसने फोटो ऐसे बना लिया अब वो बेचारा थीटा का मान बताए तो बताए कैसे तो याद करो मैंने आपको कहा था थीटा निकालने का तरीका होता है जब आपके साइड दिए गए हो तो कॉस थीटा का प्रयोग करके निकाल सकते हैं याद आ रहा है तो आप बोलेंगे हाँ सर कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे कॉस थीटा का मतलब क्या होता है यहाँ पर इसका स्क्वायर यानी छे रूट तीन का स्क्वायर जमा ये थीटा किसके साथ जुड़ा हुआ है छे के साथ तो बोलेंगे सर इसके बाद हम इसमें छ का स्क्वायर जोड़ेंगे इस थीटा के सामने कौन है बारह है तो इसमें से बारह का स्क्वायर घटा देंगे और भाग करेंगे किसके साथ तो छूट तीन इंटू देखो दो इंटू जिनको जोड़ा था छ रूट तीन और इंटू छ के साथ ठीक है देखो थीटा जिसके साथ जुड़ा है छ रूट तीन उसका स्क्वायर छ के साथ स्क्वायर और जिसके सामने है उसका माइनस करते हैं तो छे छत्तीस इंटू तीन कितना आ जाएगा एक सौ आठ आ जाएगा यहाँ पर छः का स्क्वायर हो जाएगा छत्तीस और यहाँ बारह का स्क्वायर एक बट्टे में बत्ते में दो 36 छत्तीस धोनी बहत्तर तीन हो जाएगा यहाँ बत्ते में बहत्तर तीन अब देखोगे तो यहां पर ये कितना हो गया आपका 144 144 में से आपका 144 चला गया मतलब ये मान कितना आएगा जीरो तो कॉस् थीटा का मान जीरो आ रहा है

ठीक है चलिए तो इस तरीके से भी आप थीटा का मान जो है वो निकाल सकते थे दोनों तरीके थे आपके पास या तो आप इसका रेशियो से जांच लेते और नहीं तो दूसरा आप इस तरीके से निकालते तो भी आपका उत्तर जो है वो सही आता ठीक है आ जाइए चलिए अरिथमेटिक अरिथमेटिक कह रहा हूं एक बार दो का एक क्वेश्चन है वो देखिए सामने है आपके सवाल में कहा गया है क्या कहा गया है कि एबीसी में एंगल सी का मान जो है वो कितना है नब्बे है तो ये हमारा ट्रायंगल एबीसी हो गया ये ट्रायंगल ए हो गया बी हो गया सी हो गया जहां पर एंगल सी का मान कितना है नब्बे है क्यू मिड पॉइंट है किसका तो क्यू मिड पॉइंट है हमारा बीसी का तो हम यहाँ पर क्यू को मिड पॉइंट बना लेंगे कि ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी बराबर हमसे एबी का मान दस कहा गया है तो हम एबी का मान को दस रखेंगे हमसे ए सी का मान कहा गया है दो रूट दस तो हम इसको दो रूट दस रखेंगे ठीक है और उसके बाद हमसे एक का मान पूछा गया है तो क्या आप एक का मान बता पाएंगे बताइए ठीक है क्या आप एबी का मान बता पाएंगे इतना आसान क्वेश्चन है देखो आपको ये दस दिया गया है और दो रूट दस यहां पर ये है यही बात है ना मेरे भाई एंगल सी पर नब्बे है क्यू जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का एसी का मान हमारा कितना है एसी का मान दो रूट दस है देन द लेंथ ऑफ ए क्यू यहां पर सवाल में मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा गड़बड़ी है पता है गड़बड़ी क्या है इसको दो रूट दस होना चाहिए और इसको जो है ठीक है समझेंगे सवाल में इसको दो रूट दस होना चाहिए इसको दो रूट दस होना चाहिए और इसको दस होना चाहिए ठीक है और एक मिनट एक मिनट दस रूट दो होना चाहिए मुझे जहां तक लगता है दस रूट दो होना चाहिए ठीक है तभी तो ये ए होता है ये होता है ये रूट टू ए होता है फिर इसके हिसाब से ये भी जो है आपका कितना आएगा तो दस आएगा अब ये भी दस आएगा तो ये पांच आएगा तो ये पांच आएगा अब यहां पर ये दस है और यहां पर ये पांच है दस का स्क्वायर एक सौ पच्चीस पांच रूट पांच जो होगा वो हमारा फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है पांच रूट पांच जो कि हमारा ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा है कुछ तो गड़बड़ है भैया सवाल में <coughs> आपका एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है <coughs> उसने कहा है कि एक तुम्हें ट्राइंगल एबीसी बनाना है सी पर नब्बे का कोण बनाना है क्यू बीसी का मध्य बिंदु है ठीक है आपने बना लिया यदि ए बी मान आपका दस है और एसी मान जो है दो रूट दस है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है माफ करेंगे मैं थोड़ा समझने में गलती कर दिया ये दस है और ये दो रूट दस है ठीक है कोई गलती नहीं है आपके सवाल में ये दस है और ये दो रूट दस है तो सबसे पहले आप बताइए मुझे बीसी का मान कितना होगा तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा देंगे दस का स्क्वायर हो गया हमारा सौ और दो रूट दस का दो चार इंटू दस कितना हो गया चालीस हो गया सौ में से चालीस जाएगा तो साठ आएगा साठ का रूट कितना होता है तो दो इंटू दो चार और यहां दो रूट पंद्रह ठीक है यानी यहां पर जो BC का मान होगा वो कितना होगा दो रूट पंद्रह होगा अब अगर इस BC का मान दो रूट पंद्रह होगा इस BC का मान दो रूट पंद्रह होगा यानी ये भी हमारा कितना आ जाएगा तो रूट पंद्रह और ये भी हमारा कितना आ जाएगा तो रूट पंद्रह समझ में आ गया दस के स्क्वायर में से दो रूट दस का स्क्वायर घटाएंगे तो दो रूट पंद्रह भी रूट पंद्रह और ये भी रूट पंद्रह कोई समस्या की बात यहाँ पे अब हमें यहाँ पर किसका स्क्वायर निकालना है तो हमें AQ का मान निकालना जमा रूट पंद्रह का स्क्वायर यानी पंद्रह ठीक है रूट पंद्रह का स्क्वायर कितना हो गया पंद्रह तो यानी पचपन पचपन का स्क्वायर कितना हो गया बताओ पचपन का स्क्वायर कितना हो गया ठीक है पचपन का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई एक का मान जो आएगा वो कितना आएगा रूट हमारा पचपन आएगा ना रूट पचपन जो है वो तो किसी में टूटेगा ही नहीं ठीक है रूट पचपन आएगा भाई चैलेंज किया जा सकता था इस सवाल को अगर इसके ऑप्शन ऐसे ही होते तो आपको पेपर में दो नंबर मिलते आप इस सवाल को वहां पर चैलेंज कर पाते ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहां पर ये दस है दो रूट दस है तो हमें किसका मान निकाला पहले बीसी का सौ में से हमारा चालीस गया साठ यानी दो रूट पंद्रह दो रूट पंद्रह दो भागों में बटेगा क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है यानी रूट पंद्रह रूट पंद्रह में बटेगा हमसे किसका मान कहा गया है ए क्यू का मान ठीक है तो दो रूट दस का स्क्वायर जमा रूट पंद्रह का स्क्वायर यानी रूट पचपन जो है वो आएगा ठीक है समझ में आ गया रॉन्ग ऑप्शन है भाई बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है रूट पचपन जो होगा ना मुझे लगता है इसी को काट के आपको रूट पचपन करना पड़ेगा ठीक है चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ आ जाइए अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर बाईस देखिए क्वेश्चन नंबर बाईस में क्या कहा गया ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है कहां पर बी पर और डी पर ठीक है राइट एंगल बी पर है तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कि एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा एबीसी ठीक है ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है कौन है तो एबीसी नाम का राइट एंगल ट्राएंगल है किस पे राइट एंगल है तो बी पर राइट एंगल है और डी नाम का पॉइंट है किसके ऊपर तो बीसी के ऊपर ठीक इस तरीके से कि जो बी डी का मान है वो कितना है सवाल में तो पांच दिया गया है उसके अलावा एडी का जो मान है वो कितना है तो यहाँ पर एडी आप बना लेंगे एडी का मान सवाल में आपको तेरह दिया गया है ठीक है तेरह दिया गया है और आपका एसी का मान कितना है तो एसी का मान सैतीस है आपको डीसी का मान पूछा गया है बताइए तो सबसे पहली बात है यहां पर कि यहां पर भी सारा का सारा क्वेश्चन किसके ऊपर है तो ट्रिपलेट के ऊपर है प्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिपलेट के ऊपर होते हैं आप कहेंगे सर यहां पांच है यहां तेरह है तो यहां पक्का बारह होगा बोलो कितना होगा तो पक्का बारह होगा ठीक है अब पक्का बारह होगा तो ठीक है भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक अब ये जनाब सैतीस है बड़ा वाला सैंतीस है और ये बारह है तो बीसी का कितना होगा बारह के साथ किसका ट्रिपलेट बनता है जरा बताओ बारह के साथ किसका ट्रिपलेट बनता है मुझे ये बात बताओ तो क्या बारह पैंतीस और सैतीस ट्रिपलेट बनाते हैं बारह पैंतीस और सैतीस ट्रिपलेट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं बताओ बारह पैंतीस और सैतीस ट्रिपलेट बनाते हैं बारह का स्क्वायर होता है एक सौ चौवालीस पैंतीस का स्क्वायर जो होता है वो होता है बारह पच्चीस ठीक है पांच चार नौ चार दो दो एक तीन तेरह सौ उनहत्तर ये किसका स्क्वायर है तो ये थर्टी सेवन का स्क्वायर है यहां पर दिख रहा है सात का स्क्वायर उन्चास सात इक्कीस धोनी बयालीस बयालीस चार छियालीस का चार तीन तेरह नौ चार तेरह मतलब बारह ठीक है याद रखना है आपको कि पहली बात तो पांच बारह तेरह ट्रिपलेट बनाते हैं और दूसरी बात देखो किस किस दो ट्रिपलेट का इस्तेमाल हुआ है पांच बारह तेरह और फिर उसके बाद हुआ है बारह पैंतीस और सैतीस बारह पैंतीस और सैतीस तो ये बारह है ये सैतीस है तो ये पूरा का पूरा मान कितना होगा पैंतीस होगा पैंतीस में ये जनाब पांच है तो डीसी का मान कितना निकल कर चलाएगा तीस कर चलाएगा ऑप्शन में डीसी का मान पूछा गया है ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा ठीक है समझ में आ गया बात <coughs> चलिए आ जाइए अगला अगला सवाल सवाल देखिए आपके सामने है है ठीक कहा गया है ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी राइट एंगल हैं एक कॉमन हाइपोटेनस पे ये बड़ा बेहतरीन सवाल बन जाता है एक कॉमन हाइपोटेनस पे ठीक है मतलब उनका हाइपोटेनस जो है वो क्या है कॉमन है मान लीजिए कि ये उनका हाइपोटेनस है एक पल के लिए मैंने आपको ऐसे सवाल करवाए भी थे और इस हाइपोटेनस पर क्या होता है कि दो ट्रायंगल बनाए जाते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं राइट एंगल्ड होते हैं दोनों का हाइपोटेनस जो है ना यहाँ पर कर्ण जो है वो सेम है दोनों का कर्ण जो है वो क्या है सेम है मतलब एक हमारा ये राइट एंगल हो गया एक हमारा दूसरा ये राइट एंगल हो गया ठीक है और सभी का जो हाइपोटेनस है वो क्या है बीसी है मतलब अगर हम ऐसे बोले कि भैया एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी था जिसका 90 डिग्री ए पर बन रहा था दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल डी था जिसका राइट एंगल डी पर बन रहा था ठीक है फिर उसमें हमसे कहा गया जो बी है जो यहां पर ये यह बी है और यहां पर ए है वो दोनों एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं और वो बिंदु का नाम क्या है तो बिंदु का नाम पी है ठीक है उसके बाद कहा गया है जो पीए का मान है वो कितना है तो पीए का मान हमारा आठ है फिर उसके बाद हमसे कहा गया है पीसी का मान कितना है तो चार है पीडी का मान कितना है तो कहा गया है तीन दशमलव दो है और हमसे पूछा गया है बीडी का मान कितना होगा बी से लेकर डी तक का मान कितना होगा तो चलो पहले ये हम बीपी का मान निकाल दें हम बीपी का मान निकाल देंगे तो हम बता पाएंगे यहां पर कि जो हमारा बीडी का मान है वो कितना है अब याद करिए वो दिन जब हम सिमिलैरिटी पढ़ा करते थे और सिमिलैरिटी पढ़ते थे तो उसमें हम क्या पढ़ते थे याद करो सिमिलैरिटी में इस क्वेश्चन को हमने बनाया था और जब वहां पर इस क्वेश्चन को बनाया था तो बड़े अच्छे तरीके से हमें यह बात पता है ठीक है बड़े अच्छे तरीके से हमें यह बात पता है ठीक है क्या पता है वो भी देख लो तो वहां पर हमने अच्छे तरीके से इस बात को जाना था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे तो एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे बोलोगे सर कैसे देखो ट्रायंगल में देखो ट्रायंगल ए बी और पी में ये ट्रायंगल हो गया दूसरा ट्रायंगल देखो डी पी और सी में दोनों के पास 90 और 90 का कोण है फिर एक और कोण ये वर्टिकली अपोजिट के कारण दोनों बराबर हो जाएगा तो इनका तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा जहां पर दो कोण किसी भी दो त्रिभुजों के बराबर होते हैं वो समरूप हो जाते हैं अब वो समरूप हो जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा वो समरूप हो जाएंगे तो इसके नब्बे के सामने कितना है तो बोलोगे सर बीपी है ठीक है और इसके नब्बे कितना है तो बोलोगे सर एपी है और इसके ये वाले कोण के सामने कितना होगा तो बोलोगे पीडी है ठीक यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बराबर होगा जब दोनों का रेशियो बराबर होगा तो यहां पर फिर आप क्या लिखेंगे एपी इंटू पीसी देखो एपी इंटू पी आपका यहां पर आ गया ठीक है इसको थोड़ा सा सुधार करो तो लिखोगे यहां पर एपी ये एपी और PC से गुना हो जाएगा बराबर होगा बीपी इंटू पी के बराबर होगा बीपी इंटू पी के ये बात क्लियर है यानी यहाँ पर a इंटू पी और p इंटू सी बराबर होगा b इंटू पी और p इंटू डी के ये बात हमें पता होनी चाहिए आगे से अगर मानो ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें यहां पर सिमिलैरिटी लगाना ही होगा ठीक है हमें यहां पर सिमिलैरिटी लगाना होगा ऐसा सत्य नहीं है आप यहां पर साफ तौर पर यह पॉइंट कह सकते हो कि ए इंटू पी पी इंटू सी बराबर बी इंटू पी और पी इंटू डी के क्लियर हो गया यहां पर कोई समस्या की बात तो एपी का मान कितना है तो बोलेंगे सर आठ है पीसी का मान कितना है तो चार है ठीक है बीपी का मान कितना है तो नहीं दिया है एक्स है और पी डी का मान कितना है तो थ्री पॉइंट टू है ठीक है थ्री पॉइंट टू का दशमलव हटा दो तो आ जाएगा आपका बत्तीस बटे दस आठ इंटू चार बत्तीस को बत्तीस से कट जाएगा एक्स का मान कितना आ जाएगा एक्स का मान हमारा दस आ जाएगा अब यहां से लेकर यहां तक दस है सवाल में हमसे बी डी पूछा गया है तो मुझे खुद बताओ बी डी का मान कितना होगा तो यहां से यहां 10 है और यहां से यहां 3.2 है तो 10.32 यानी 13.2 और ये सवाल में एस ने ऑप्शन यही दिया था इसीलिए बाद में सवाल को चैलेंज भी किया जा सकता था और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है तो तेरह दशमलव दो तो <coughs> 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 मान लीजिए इसको काट तेरह दशमलव दो जो है वो सही आंसर पे टिक करेंगे क्लियर है बताइए जल्दी से तो जो बीडी का मान है वो कितना है तेरह दशमलव दो है ठीक है हाँ इसमें ऑप्शन हम लोगों ने रॉन्ग नहीं किया है इसमें हमारे टाइपिस्ट की गलती नहीं है दोनों सवालों में एसएससी की गलती है उसने गलत ऑप्शन दिया था तो उसको हमने करेक्ट करवाया है ठीक है जान के हमने वही टाइप करवाया है ताकि क्लास के दौरान हम आपको यह भी बता सके कि बहुत बार ऐसा होता है जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं ठीक है आप सवाल को दो बार तीन बार तीन हल करते हैं और आपका आंसर नहीं आता और आप सोचते हैं कि आपके मेथड में गलती है लेकिन असल में आपके मेथड में गलती नहीं होती गलती जो होती है वो एस के द्वारा दिए गए आंसर में होती है 2018 के मेंस में तेरह तारीख के शिफ्ट में उन्होंने तेरह तो, सवाल गलत किए थे इस बात को ध्यान रखिए मेंस में सौ सवाल आते हैं और सौ में तेरह सवाल के आंसर जो थे वो गलत थे तो सोचो एक एस्पिरेंट जो वो पेपर दे रहा होगा उसके मन में हर सवाल में ये आ रहा होगा कि उसके मेथड गलत हैं ठीक है ठीके? उसके तरीके गलत हैं ठीक उसने गलती की है सवालों में वो जो है उसका मेथड अप्रोच सही नहीं आ रहा है वो कितना फ्रस्ट्रेट होगा तो इसीलिए आपको पहले से ही जब आप पेपर देने जा रहे होते हैं तो आपको पहले से ही अपना माइंड सेटअप लेके चलना है कि भाई अगर मैं करेक्ट हूं तो हो सकता है एस की गलती होगी उसने सवालों को गलत दिया होगा या ऑप्शन गलत दिया होगा उसका फायदा बाद में सभी स्टूडेंट को मिलता है लेकिन नुकसान सिर्फ उस स्टूडेंट का होता है जो उसको दिल पर लेकर बैठ जाता है और परीक्षा हॉल में सॉल्व करते रहता है तो ये काम ध्यान से समझ लीजिए पहले से ही जो है अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आगे से ऐसी गलती नहीं करनी अगर मेरा आंसर सही आ रहा है और ऑप्शन गलत है तो ये एसएससी की गलती नहीं है इसमें हमारी गलती कुछ भी नहीं ठीक है हाँ अगर आंसर गलत होता है तो एसएससी हर किसी को मार्क्स देती है हर किसी को नंबर दिया जाता है दो दो नंबर हर किसी को दिया जाता है भाई अरे आप ऐसे भी देखो ना यार आठ इंटू चार बत्तीस है तो तीन दशमलव दो बत्तीस आएगा दस से गुना करोगे अब ये वाला मान दस है और ये तीन दशमलव दो है तो पूरा मान तेरह दशमलव दो नहीं होगा <coughs> बताओ कैसे सेवन पॉइंट टू टिक कर रहे हो बताना जरा थोड़ा हम भी देखें बताओ छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है आठ इंटू चार बत्तीस तो दस इंटू तीन पॉइंट दो वो बत्तीस ये दस है ये तीन दशमलव दो है पूरा का मान पूछा है तेरह दशमलव दो ही तो बताओगे हैं इसीलिए तो आपका ऑप्शन सिक्स पॉइंट एट भी दिया गया है ताकि बहुत बच्चे सोचे दस में से तीन दशमलव दो घटा के उत्तर देना है तो सिक्स पॉइंट एट टिक कर दे ठीक है ऐसी गलती नहीं करनी भाई सवाल ऑप्शन जो है वो एसएससी भी गलत दे सकती है क्वेश्चन नंबर चौबीस देखो कहा गया एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है कहां है राइट एंगल पे सी पे दिया गया है बीसी का मान आठ है एसी का मान छह है एक लाइन जो है ट्राइंगल एबीसी को दो रीजन में बांटता है इक्वल एरिया ठीक है और परपेंडिकुलर बी के पॉइंट एक्स पे तो लेंथ बी एक्स का मान कितना है बहुत अच्छा सवाल सवाल है। है? है। है? तो है। कौन तो तो पे पर को देखिए। <coughs> right हमारा हो हो गया, B हो गया और यहां पर कितने पर है तो सी पर है फिर कहा गया है जो सी का मान है वो हमारा आठ है ए सी का मान हमारा छ है तो जाहिर सी बात है ये छे है और ये आठ है तो पूरा हाइपोटेनस दस का हो जाएगा कहा गया एक लाइन जो है ट्राइंगल एबीसी को दो इक्वल एरिया में बांटती है ठीक है इस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू टू से जो है ए बी है और किस पॉइंट पर है एक्स पर है, ठीक है और बी एक्स का मान हमसे पूछा गया है यहां पर इस सवाल को जो है कम से कम तीन स्टार लगाओ जितना आसान यह सवाल दिख रहा है असल में उतना आसान यह सवाल है नहीं ठीक है <laughs> 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 जितना आसान ये सवाल दिख रहा है उतना आसान ये सवाल है नहीं यहां पर ये छे है ये आठ है और ये दस है कहा गया है कि इस ए बी पर एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है और जरूरी नहीं है कि वो लाइन सी से जाए वो लाइन कहीं से भी जा सकता है वो लाइन ऐसे भी जा सकता है वो लाइन ऐसे भी जा सकता है ठीक है वो लाइन हमारा सी से भी जा सकता है कुछ भी जा सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन वो लाइन जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है वो बाकी दोनों ट्रायंगल को बराबर बराबर एरिया में काट देती है या बराबर बराबर एरिया में बांट देती है हमसे सवाल में ये कहा गया है तो फिर उसके बाद हमसे कहा गया यदि ये बिंदु जो है ठीक है एबीसी इंटू टू इक्वल रीजन ऑफ एरिया लाइन तो डिवाइडिंगलसीपेंडिक होगा अब क्या होगा ये सवाल जो है एक बच्चा देखेगा अपने एग्जाम में वो सोचेगा अरे सर ने एक प्रॉपर्टी बताई थी प्रोपर्टी क्या बताई थी तो वो बेचारा तुरंत क्या करेगा ऐसा ट्राइंगल बनाएगा बड़ा प्यारा सा और ऐसा ट्रायंगल बनाने के बाद उसके मन में जो ख्याल आएंगे वो क्या आएंगे वो भी बता देता हूँ वो उस परपेंडिकुलर को यहां से यहां जोड़ लेगा ठीक है और मान कैसे कैसे दिया गया है तो वो देखो आठ छे और दस तो बोलोगे सर ये आठ है ये छे है और ये दस है ये पॉइंट हमारा ए है ये पॉइंट हमारा बी है ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट एक्स है सवाल में बी एक्स का मान ही तो बोला गया है वो इस पॉइंट को परपेंडिकुलर समझकर क्या करेगा यहां पर बी एक्स का जो वैल्यू होता है क्या होता है याद करो बीसी का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है बी एक्स इंटू के याद आ रहा है बी एक्स इंटू के कोई समस्या की बात यहां पे बीसी का स्क्वायर हो गया आठ का स्क्वायर चौसठ बी एक्स का मान हमें पता ही नहीं है और AB का मान कितना है दस है तो जो बी एक्स का मान आ जाएगा वो आ जाएगा सिक्स पॉइंट फोर बी एक्स का मान आ जाएगा 6.4 अगर आप ऐसे बनाओगे तो लेकिन जब आप ऑप्शन में देखने जाओगे आपको 6.4 मिलेगा ही नहीं अब भाई आपको 6.4 नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे बैठ के अब आप सोचेंगे कि यार मेरा तो सॉल्यूशन गलत है ठीक है हमने कहीं ना कहीं जो है वो गलती कर दी है ठीक है <coughs> कहीं ना कहीं गलती कर दी है तो गलती आपने कहीं की नहीं है असल में क्या हुआ है आपने छोटा सा मिस्टेक ये कर दिया है सवाल में कहा गया है एक रेखा बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और वो दो बराबर एरिया में बांटती है आपने एरिया को बराबर किया आपने उस शब्द का इस्तेमाल किया यहाँ पे एग्जामिनर पागल है जो वो कह रहा है कि ये दो बराबर एरिया में बटेगा बोलो वो पागल तो नहीं है मतलब उसके बाद में कुछ ना कुछ दम है उसने कुछ तो कहा है भैया कि इनको बराबर एरिया में बांटना है कल के दिन कह दिया जाए इनको बराबर पेरीमीटर में बांटना है तब भी ये लाइन यहीं परपेंडिकुलर डालोगे मतलब वो बोले बराबर एरिया में बांटना है तब भी यहीं डालोगे बराबर पेरपेंडिकुलर में बोले तब भी यहीं डालोगे नहीं करते ऐसा हर केस के लिए अलग अलग फोटो बनता है इसीलिए इसकी खासियत होती है और इसीलिए हम इसको ज्योमेट्री में पढ़ते हैं समझ में आ रहा है ज्योमेट्री जो है वो हमारा टोटली प्रॉपर्टी बेस्ड है इस बात को ध्यान रखिए मान लीजिए एक पल के लिए हम इसको ऐसे झुका देते हैं और हम बोलते हैं कि भाई यहां पर ये यह लाइन जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर है जहां पर जो है जहां पर जो है ये दस हो गया ये छह हो गया ये आठ हो गया और यहां पर ये यह पॉइंट क्या है तो ये पॉइंट हमारा एक्स है समझेंगे बात को यहां पर मान लो ये वाई पॉइंट पर काटेगा एक रेखा एक्स वाई होगी जो ए बी पर परपेंडिकुलर होगी और जिसके कारण ये दो दिए गए जो क्षेत्र आ रहे हैं उनका एरिया क्या होगा बराबर होगा इनका एरिया क्या होगा बराबर होगा अब अगर इनका एरिया बराबर होगा तो कैसे करेंगे तो मुझे बताओ पहली बात की टोटल का एरिया कितना होगा तो आठ इंटू टोटल ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया कितना होगा तो बोलेंगे सर एबीसी का जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस कितना है तो आठ है और हाइट कितना है छ है यानी काटेंगे तो चौबीस आएगा टोटल एरिया कितना हो जाएगा तो चौबीस अगर टोटल एरिया चौबीस है तो उसमें एक्स वाई बी का एरिया कितना होगा बताओ एक्स वाई बी का जो एरिया होगा वो चौबीस का आधा होगा ठीक है यानी उसका एरिया कितना होगा तो 12 होगा यानी x, y और b का जो एरिया होगा वो कितना होगा जनाब तो वो एरिया हमारा 12 होगा कोई प्रॉब्लम यहां पर कोई परेशानी किसी को बता दो ठीक है यानी इसका एरिया हमें कितना मिल गया तो इसका एरिया हमें बारह मिल गया और इसका एरिया हमें बारह मिल गया बहुत सिंपल सा सवाल हो गया अब उसके बाद हमें यहां पर बी का मान निकालना है कैसे निकालेंगे बी का मान साइड के बारह आने के बाद भी बी का मान कैसे निकलेगा जरा सोचिए आप एरिया निकाल दिया 12 और 12 आ गए और तब हमसे कहा गया बी एक्स का मान बताओ ठीक <coughs> है आपके सामने क्वेश्चन है देखो कैसे निकालोगे आप यहां पर एक लाइन है जो एबीसी को दो बराबर रीजन में बांटती है ठीक है पॉइंट एक्स पे तो बी एक्स का मान कैसे निकालेंगे सोचिए जरा ठीक है तो अभी रीजनिंग का क्लास भी चल रहा है आप खुद बताइए एक ही टाइम पर दो क्लास कैसे करें भैया देखो यह हमारी समस्या नहीं है ठीक है इसके लिए आप मैनेजमेंट से बात करो सवाल आपके सामने है सवाल बनाओ हमारी क्लास का जो टाइमिंग रहता है वो फिक्स रहता है अब इसमें कोई टाइमिंग चेंज हो रहा है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ठीक है सवाल बनाओ जल्दी से <coughs> सवाल बनाइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपको थोड़ा सोचने का वक्त दिया जा रहा है सोचेंगे विचारेंगे दो तीन तरीके हैं इस सवाल को बनाने के एक नहीं कम से कम तीन तरीका है सोचो इस पर टाइमर ऑन कर दें चलो टाइमर भी ऑन कर दिया लो दो मिनट का टाइमर है आप सभी के पास गया। देखो अब छोटी सी बात बस यहां पर बुद्धि का प्रयोग करना था और कुछ नहीं करना था अगर आप सवाल को समझ रहे थे तो बहुत आसान क्वेश्चन था ठीक है आप जरा यहां पर देखो अगर हम यहां पर ऑफ एंगल एंगल निकालते निकालते हैं एंगल बी का निकालते हैं का कि भैया टेन ऑफ एंगल बी जो होगा वो कितना होगा आप बताओ तो टेन ऑफ एंगल बी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है यानी छे बटे आठ छठ का मतलब क्या हो गया ये किस अनुपात में होंगे तो बोलेंगे सर तीन अनुपात चार में होंगे ठीक है

चार यूनिट है ये बात समझ में आ गया ठीक है अब एक ऐसा ट्रायंगल है ट्रायंगल एक्स वाई जेड जिसका परपेंडिकुलर तीन यूनिट है और इसका बेस चार यूनिट है तो उसका एरिया कैसे लिखते हैं तो बोलेंगे सर उसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू तीन एक्स इंटू चार एक्स और ये किसके बराबर होगा तो बोलेंगे सर पूरे ट्रायंगल के एरिया के आधे के यानी बारह के बराबर होगा ठीक है तीन और चार से बारह खत्म हो जाएगा यहां से हमें एक्स का मान या एक्स स्क्वायर का मान दो आएगा जहां पर एक्स का मान आप कितना कह सकते हो रूट अंडर टू कह सकते हो एक्स का मान कितना कह सकते हो तो रूट अंडर टू सवाल में हमें किसका मान बताना है हमें बी एक्स का मान बताना है तो बी एक्स का मान कितना हो जाएगा फोर एक्स यानी फोर करेक्ट आंसर होगा फोर को आप ऐसे भी कह सकते हो रूट अंडर बत्तीस कितना कह सकते हो रूट अंडर बत्तीस तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है ठीक <coughs> है समझ में आ गया सवाल में कहा गया था कि एक तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है एक रेखा इसके ऊपर परपेंडिकुलर है जो इनको बराबर क्षेत्रफल में बांटती है समझ में आ गया भाई इतना लंबा ना जाके और आप शॉर्ट में जा सकते थे आप इसको देखो जैसे दोबारा से सभी चीजों को मिटा दे रहा हूं दोबारा से हमें ये पॉइंट कहा गया था ये ए है ये पॉइंट कहा गया था बी है ये पॉइंट कहा गया था सी है ये एक्स है और इसको हमने माना था वाई है ठीक है ये हमारा छह है ये हमारा आठ है ये हमारा दस है ठीक है अब जरा गौर से देखो अगर मान लो ये टेन ऑफ एंगल बी देखते हो तो टेन ऑफ एंगल बी में ये परपेंडिकुलर और बेस किस रेशियो में है तीन अनुपात चार में तो यहाँ इसका परपेंडिकुलर कितना होगा तीन और इसका बेस कितना होगा चार अगर ये तीन अनुपात चार में है तो इस वाले ट्राइंगल में भी ये भी तीन अनुपात चार में होंगे तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तीन अनुपात चार तो ये भी तीन अनुपात चार कोई समस्या की बात कैसे पता चला तो ऊपर दिए गए कहानी लिख दी गई है कि टेन भी इतना है तो इसका टेन भी इतना है समझ में आ गया बात यहां पर कोई परेशानी की बात फिर उसके बाद हमने कहा चलो एक्स वाई जड एक्स वाई बी का क्या निकालते हैं ट्रायंगल एक्स वाई बी का जो है वो एरिया निकालते हैं कैसे निकलेगा हाफ इंटू बेस हमारा जो है वो आ, बेस चार एक्स हो गया परपेंडिकुलर तीन एक्स हो गया <coughs> बराबर होगा हाफ इंटू पूरे ट्रायंगल के एरिया के तो हाफ इंटू और पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा तो हाफ इंटू सिक्स इंटू एट होगा होगा कि नहीं होगा बताओ समझ में आया इसका एरिया पूरे ट्रायंगल के एरिया का आधा तो इसके एरिया आधा होगा पूरे ट्रायंगल के के एरिया के। कोई समस्या की बात यहां पे अब देखिए ये ये आधा से ये आधा से आपका खत्म हो जाएगा ठीक है तीन से आप काटेंगे तो ये दो बार में कटेगा दो इस दो को खत्म कर देगा चार इसको दो बार में खत्म करेगा एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर का मान हमारा दो आ रहा है तो एक्स का मान हमारा रूट अंडर टू आ गया अब x का मान रूट अंडर टू आ गया तो बी एक्स का मान हमसे चार रूट दो तो यानी बत्तीस पूछा गया ठीक है चलो <coughs> बहुत अच्छे नेक्स्ट देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पच्चीस क्वेश्चन नंबर 25 और आसान क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है कोई दिक्कत की बात नहीं है ये सारे के सारे हैं ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल नहीं कह सकते ये सारे के सारे आप यू कहिए लॉजिकल क्वेश्चन है जितने भी मार्केट में घूमते रहते हैं ना अलग अलग टीचर के नोट्स में किताबों में मॉक टेस्ट में ये सभी के सभी सवालों का संग्रह यहां पर दे दिया गया है ताकि आपके सोच को उस तरीके से बढ़ाया जा सके आपके सोच को वहां तक पहुंचाया जा सके सोचिए अगर मैं ये सवाल नहीं देता या इसके पिछले वाला क्वेश्चन आपको नहीं देता तो आप हमेशा से उस सवाल के कंसेप्ट को कभी सीख ही नहीं पाते आपको पता ही नहीं चलता कि यार एक लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और बराबर एरिया में बांटेगी तो उसको कैसे बनाएंगे यही तो कहानी मेरे भाई होती है जब कोई स्टूडेंट कोई बैच ज्वाइन करता है तो उसको उस बैच में सिर्फ उतनी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो उसके फाउंडेशन को मजबूत कर सके मुश्किल से ही शायद कोई लॉजिकल क्वेश्चन कराया जाता है और स्टूडेंट ठगा हुआ कब महसूस करता है जब वो कोई मॉक टेस्ट लगा रहा है कोई पेपर दे रहा है ठीक है एग्जाम देने गया और अचानक से ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब जाके वहां पर क्या बोलेगा सुसरा हमको पढ़ाया नहीं था तभी तो ये सवाल हमसे नहीं बना जाहिर सी बात है भाई साहब ना आप किसी किताब में पढ़ेंगे ना कहीं कोई मॉक टेस्ट में देंगे या फिर कहीं पर आपने ऐसे सवाल पढ़े ही नहीं है तो आपकी बुद्धि पहली बार में क्लिक ही नहीं करेगी कि ऐसे भी करना होता है सौ में दस बच्चों का माइंड क्लिक कर सकता है नब्बे का क्लिक नहीं करेगा वो क्लिक तब करेगा जब आप ऐसे सवालों से रूबरू होंगे अब अगली बार आपका एग्जामिनर सेम सवाल दे दे या इसके आसपास का कोई सवाल दे दे या चलो मान लो ऐसा भी वो कह दे कि इसका एरिया पूरे एरिया का वन फोर्थ है तो पूरे एरिया का यहां वन फोर्थ करना था आपको इसका एरिया पूरे का वन फिफ्थ है तो यहां पर वन फिफ्थ कर देते बाकी सारा पैटर्न सेम होता तो सोचने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है कैसे बढ़ाना है तो अच्छे अच्छे सवालों को लगा के बढ़ाना है बेसिक तो हर कोई बता देता है सिमिलैरिटी लगाओ सिमिलैरिटी में आपने देखा कि जो बेसिक चीजें होती हैं वो कहां तक सीमित होती हैं लेकिन परीक्षा में जब वो प्रश्न बनकर आता है तो वो उससे एक लेवल दो लेवल ऊपर बन के जाता है अब आपको मैं बताऊं तो यही सवाल अभी कुछ देर आप आगे चलेंगे ना तो आगे आपको एक और मिलेगा ट्रायंगल का क्वेश्चन बेहतरीन जहां पर कहा जाएगा ये एक त्रिभुज है यहां से एक रेखा खींची गई है ये पॉइंट हमारा ए है बी है और सी है इस पॉइंट का नाम डी है ये बी डी इस तरीके से है कि इनको दोनों बराबर पेरीमीटर में बांटता है बराबर परिमाप में बांटता है अब बी डी का मान बता दो कितना होगा अब वहां पर जब वो सवाल आएगा तो वहां पर फिर एक नया कंसेप्ट हम लोग जानेंगे ये कंसेप्ट आपको सीखने ही सीखने हैं ठीक है इस बात को ध्यान दे दीजिए आपके प्री में हो सकता है ऐसे सवाल नहीं आए मेंस में 200 परसेंट की गारंटी है कि यही सवाल आते हैं और नौकरी निकालने के लिए कंधे पर सितारे चाहने के लिए आपको दोनों आना चाहिए जरूरी है ज्योमेट्री में जो स्टूडेंट किंग हो गया ना समझ लो एडवांस मैथ का उसका डर ही खत्म हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए मैं आपको ज्योमेट्री इतना डिटेल वे में एक एक बातें बता रहा हूं क्योंकि अगर ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगा तो समझो आपका एडवांस में धीरे 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 आपको नफरत होनी शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद आप छोड़ना शुरू कर देंगे वो काम नहीं करना है हर सवाल को बड़े प्यार से लगाएंगे एक बार में शीट समझ में नहीं आती दो बार में लगाएंगे तीन बार में लगाएंगे चार बार में लगाएंगे लेकिन पूरा का पूरा कंसेप्ट जानेंगे यही वो कंसेप्ट है जो आप दो साल तीन साल में सीखोगे घूम फिर वापस यहीं पर आओगे जो फेसबुक या क्वेश्चन भी होता है जो कहीं कहीं घूमता रहा आता है इसी में से घूमते रहता है अब इसी क्वेश्चन का फोटो खींच के किसी के टेलीग्राम पे आप जाके आज डाल दो क्या करो यही वाला क्वेश्चन एक काम करो इसी वाले क्वेश्चन का फोटो ले लेना ठीक है अपने शीट में से शीट दिया है ना और जितने टेलीग्राम डाउट ग्रुप के साथ जिस भी टीचर के डाउट ग्रुप में आप जुड़े हो सब में ये फोटो भेज देना सब में ये फोटो भेज देना फिर उनको लगेगा अरे यार ये सवाल टफ है शायद ही कोई स्टूडेंट इसका आंसर भी दे पाए इस बात को समझो क्यों क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कोई लगाता ही नहीं है लॉजिक के ऊपर कोई बात ही नहीं करता कोई सोचता ही नहीं है फिर कैसे लेकर आ जाओगे तुम 200 में 200 आसान है 200 में 200 लेकर आना नहीं है ठीक है 12 लाख 15 लाख की भीड़ है वहां पर ऐसे नहीं आ सकते हैं दो में दो समझेंगे बात को तो आपको आप कंसेप्ट के साथ अपने जा रहे हैं वहां पे और कंसेप्ट के साथ जा रहे हैं तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छा होना मांगता है वहां पे ठीक है यही कारण है कि दो साल तीन साल से कोई बच्चा तैयारी करता है पेपर नहीं निकलता अरे तुम दो साल तीन साल से पढ़ का रहे हो वही दो तीन किताबें जो जीवन में नाम सुने हो तुम तो, उसके अलावा कभी तुम कुछ पढ़े नहीं अलग से तो थोड़ा सा जो है तुम्हें पढ़ना जरूरी तो है अब यहां पर देखो क्या कहा गया है एक राइट एंगल ट्रैंगल है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बना लो राइट एंगल ट्रेंगल में क्या कहा गया पॉइंट डी इज टेकन ऑन द साइड बीसी राइट एंगल ट्रैंगल ए बी सी ठीक है जहां पर ए बी जो है वो क्या है ए बी आपका है अगर ए बी हाइपोटेनस है तो सी राइट एंगल बनाएगा और डी नाम का जो पॉइंट है वो किस पर है तो डी नाम का पॉइंट आपका बीसी पर दिया गया है उसके बाद क्या कहा गया है उसके बाद आपसे कहा गया है कि भैया यहां पर इसमें से कौन सा दिया गया कथन जो है वो सही होगा ये बता दो यहां पर ठीक है ये बता दो यहां पर कि इसमें से दिया गया कथन कौन सा सही होगा right अब पॉइंट डीज टेन फ्रॉम द साइड को ठीक है अब हम कहीं से बैठ के प्रूफ निकाले ठीक है भाई तुमको प्रूफ दे दिया अभी कुछ देर पहले तुमको हम क्या बता रहे थे एक तो तरीका हो गया बैठ के यहां प्रूफ निकालो और अपने आप को रामानुजन साबित करो और दूसरा तरीका ये हो गया कि वैल्यू पुटिंग से काम करो ठीक है इस सवाल को मैं अगर आ गया ना तो आप इतने शॉर्ट में कर सकते हो इतने शॉर्ट में इस सवाल को कर सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है जरा अपने सोच को दूर तक लेकर चले जाओ बहुत दूर लेकर चला जाओ या यूं समझ लो अपने सोच को खत्म कर दो और मेरे हिसाब से सोचो तो आपको अगर मैं ये डी पॉइंट जो है ठीक है ये डी पॉइंट कहां पर है तो बीसी पर है एक काम करो या तो इस डी पॉइंट को सरका के बी पर लेकर चले जाओ या इसको सरका के सी पर लेकर चले जाओ बोलोगे क्या मास्टर जी क्या बात कर रहे हैं सरकने वाली तो सरकने की बात नहीं है हैं ये डी पॉइंट यहां पर है ना इसको यहां लेकर चले जाओ या फिर इसको यहां लेकर चले जाओ किसी पर भी लेकर चले जाओ मान लो आप इस डी पॉइंट को बी पर लेकर चले गए तो अगर आप इस डी को कहा लेकर चले जा रहे हो बी पे लेकर चले जा रहे हो तो जो ये आपका एडी है ये किसके बराबर हो जाएगा तो एडी बराबर हो जाएगा ए के बस देखते चलना मैंने कहा कि मैं डी को यहां पर लेके चला जा रहा हूं यहां पर मेरा डी आ जा रहा है अगर मेरा डी यहां पर आ जा रहा है तो बस मेरी बात को समझना फिर फिर आपका ये सवाल देखो कैसे बदल जाता है और आप इसको कैसे शॉर्ट में प्रूव कर पाओगे आपने डी को यहां से घसका के यहां लेकर चले आए अब सवाल में आप ऑप्शन के ऊपर नजर डालिए तो ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर ठीक है तो यहां पर हमने लिख दिया ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर तो प्लस सी डी का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर है भैया ठीक है तो BC का स्क्वायर और AD AD मतलब क्या हो गया AD मतलब हमारा हो गया AB का स्क्वायर बताओ ठीक है यही तो हो गया ना ए बी का स्क्वायर के लिए हमने ए बी लिख दिया सी डी के लिए क्या लिख दिया सी से लेकर डी तक के लिए सी से लेकर बी तक हम लिख सकते हैं सी डी यहां जहां जहां डी आएगा वहां वहां डी बराबर क्या है डी बराबर बी है कि नहीं है डी बराबर बी है कि नहीं है तो बोलोगे हां सर तो ए बी का स्क्वायर को ए बी का स्क्वायर कह सकते हो डी बराबर बी कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा सी बी का स्क्वायर ठीक है बराबर फिर उसके बाद क्या बोलोगे बीसी का स्क्वायर है और तुम्हारा ए बी का स्क्वायर है क्या बीसी का स्क्वायर बीसी को काट देगा एबी एबी को काट देगा पहला वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया तो पहला वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया तो पहला वाला ही आंसर है अगर आपको नहीं यकीन है तो सेम इक्वेशन को आप दूसरे तीसरे चौथे में भी रखकर देख लो कुछ नहीं करना है जहां जहां पर डी शब्द का इस्तेमाल है वहां वहां आप बी शब्द का इस्तेमाल कर दीजिए तो आप देखिए सी क्या बन जाएगा आपका तो सीबी का स्क्वायर बन जाएगा समझ में आ गया देखते चलिए सीडी का स्क्वायर सीबी का स्क्वायर बन जाएगा बी डी वाला क्या बन जाएगा तो बी और डी जो है वो क्या है सेम जगह पर है और बी भी वही जगह पे डी भी वही जगह पे तो क्या बी डी में कोई दूरी होगी नहीं

इसको क्या बोलते हैं इसको कहते हैं ज्योमेट्री में शिफ्टिंग का कंसेप्ट शिफ्टिंग जिसको आता है जो किसी पॉइंट को यहां से लेकर वहां वहां से लेकर यहां सरका के अपने आंसर्स को लेकर आ सकता है वो हीरो है ज्योमेट्री का इस बात को समझो आप आगे चलकर जब पढ़ोगे आगे चलकर आपको एक सर्कल की प्रॉपर्टी भी हम पढ़ा देंगे जैसे अभी एक काम करो छोटा सा आपको एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ाई थी याद करो कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी लिटल ट्रायंगल में तो आप बोलेंगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर यहां से एक पॉइंट होता है गौर से देखना यहां पर हमने तीन पॉइंट कुल मिलाकर खींचे थे याद करो और हमने कहा था कि ये तुम्हारा क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ठीक है संभाहु त्रिभुज हो गया और यहां पर यह परपेंडिकुलर है तीनों के तीनों ये नंबर पॉइंट नंबर तुम्हारा पी है ठीक है और यहां पर ये एक्स है ये वाई है और ये जेड है एक्स है वाई है और ये जेड है समझ में आ गया बात तो उस केस में आपको मैंने कहा था कि याद करो यहां पर ठीक है याद करो यहां पर जेड पी जमा पी ठीक है या आप ऐसे भी कह सकते हो पी एक्स प्लस पी और प्लस पी जो बराबर होगा वो किसके आया था वो हमारे ए एक्स के बराबर आया था वो बराबर किसके आया था ए एक्स के बराबर आया था आया था ना चलो अब मैं कहता हूं कि भाई मैं यही ट्रायंगल को थोड़ा सा शिफ्ट करके देखो कैसे बनाने वाला हूं और आपका एक सेकंड में ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगा एक सेकंड में आपका ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगा यकीन मानिए आप जरूरी नहीं है इस पी नाम के पॉइंट को है ना इस ट्रायंगल पे कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं दुनिया के किसी भी पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हैं जैसे मानो इस पी को उठा के मैं यहां पर ए पर लेके चला जाता हूं या पी को उठा के यहां एक्स पर लेकर चला आता हूं तो हमारा ये ट्राइंगल है ए बी और सी नाम का ठीक है ये पी जनाब कहां पर आ गया तो पी मान लो उठकर कहां चला गया तो पी को किसी वर्टेक्स पे सरका दो पी को आप ए पर उठा के लेके चला जाओ तो यहां पर आ गया पी ये वाला पॉइंट अभी भी याद रखना जेड है ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या है वाई है और ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या है एक्स है तो जरा मुझे एक बात बताओ तुम्हारा पी कितना हो गया तो बोलोगे सर देखो यहां पर ठीक है पहला वाला पॉइंट क्या था तो P से लेकर X तक था तो P से लेकर X तक कितना हो गया तो पी एक्स हो गया ठीक है फिर उसके बाद क्या था तो P से लेकर Y तक था तो इसको भी जोड़ो पी वाई कितना हो गया तो देखो जो पूरा साइड है अगर आपका कितना है तो पूरा साइड जो है वो आपका है मान लो यहां पर A ठीक है ठीक है P को जो आप वहां पर लेकर चले गए तो क्या यहां पर यह लाइन पर पेंडिकुलर होगी ये लाइन पर पेंडिकुलर होगी देखो ZP क्या इसके ऊपर होगा तो बोलोगे ना सर मेरी बात को मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो PX है ना ये तो पर पेंडिकुलर होगा चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन क्या जेड के ऊपर पर पेंडिकुलर होगा तो नहीं होगा मतलब ये जीरो हो जाएगा क्या वाईपी के ऊपर पर पेंडिकुलर होगा नहीं होगा जीरो हो जाएगा यानी आपका जो एक्सपी है वो किसके बराबर आ जाएगा तो एक्सपी जमा देखो बोलोगे ना एक्सपी सर तो

तो P नाम का पॉइंट होता है और इस P नाम के को जरूरी नहीं है आप कहीं भी दे सकते हो मान लो ये P बदतमीज पॉइंट यहां पर है तो आपको यहां पर पढ़ना होता है मैंसुरेशन में ठीक है आपको मैंसुरेशन में पढ़ना होता है कि यहां पर जो एपी का स्क्वायर है जमा पीसी का स्क्वायर बराबर होगा किसके तो बराबर होगा बीपी के स्क्वायर के और फिर उसके बाद किसके तो फिर उसके बाद पीडी के, के. ये हमें होती है, आगे चल में. के उठाओ और यहां पर डी पर ले जाके रख दो या डी ना छोड़ के सी पर ले जाके रख दो कहीं पर भी रख दो अब एक पल के लिए यही वाला फोटो को आप मान लो इसमें ऐसे कन्वर्ट कर दो जहां पर यह पॉइंट क्या हो गया तो ए हो गया बी हो गया सी हो गया डी हो गया और ये पी को उठा के कहां पर रख दिया है पी को उठा के आपने यहां पर रख दिया है ठीक है आपने पी को बीच से उठा के वर्टेक्स पे रख दिया उसके बाद क्या होगा ए पी ए से लेकर पी तक ए से लेकर पी तक अब ए से लेकर डी तक बनाएगा एपी जो है वो एडी के बराबर होगा तो बोलोगे हां सर एडी के बराबर होगा ठीक है पीसी ठीक है पी से लेकर सी तक पी से लेकर सी तक यानी अब अम हमारा हो जाएगा सी डी का स्क्वायर ठीक है बराबर बीपी का स्क्वायर बी से लेकर पी तक जो है वो क्या हो जाएगा बीडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके तो बीडी के स्क्वायर के जमा पीडी का स्क्वायर

प्रूफ हो जाता है तो ऐसे पॉइंट को आप घुमा के कहीं भी लेके जा सकते हैं और एक और बात आपको बता दे जरूरी नहीं है कि ये पी नाम का पॉइंट यहीं पर हो ये आपको इस पूरे के पूरे पॉलीगन में कहीं पर भी हो सकता है इनफैक्ट ये पॉइंट पी नाम का बंदा बाहर भी हो सकता है अगर इसी क्वेश्चन में आपको मैं ऐसे कर दू और मैं आपको बोल दू यहां पर एक पी नाम का पॉइंट है उस पी से आपको इसकी दूरी पी से आपको इसकी दूरी पी से आपको इसकी दूरी P से आपको इसकी दूरी ये आपको ऐसे प्रॉपर्टी दिया जाता है आगे चलकर खतरनाक खतरनाक चीजें वही फॉर्मूला होगा ठीक है तब भी आपका A से लेकर P P से लेकर C B से लेकर P P से लेकर D सेम चीज होगी क्योंकि इस B को आप ऐसे पकड़ो ना ये गुच्छा है इस गुच्छे को किसी भी पॉइंट पर ले जाके घुमा के रख सकते हो इसको बीच में भी रख सकते हो तो भी ये प्रॉपर्टी क्या करता है सेटिस्फाई करवाता है ये सब चीजें जो है अलग हटकर होती है Bye. <laughs> तो ये सभी जो प्रॉपर्टी होती हैं ऐसे पॉइंट्स को आपको सोचना पड़ेगा कि अगर कोई पॉइंट मुझे दे रहा है डी नाम का यहां पर या कहीं पर तो हम उसका इस्तेमाल करके बकायदा ठीक है इसको प्रूफ कर सके शिफ्टिंग लगा सके शिफ्टिंग लगाओगे ज्योमेट्री में थोड़ा सा हटकर सोचोगे ना तो तभी मैं इसमें 200 में 200 ला पाओगे इस बात को ध्यान रखो ठीक है तो बाकी आपको पता चल गया शिफ्टिंग से कैसे बनेगा ये ठीक है तो हम यहां साफ लिख दे रहे हैं सॉल्व बाई शिफ्टिंग मेथड सॉल्व बाई शिफ्टिंग मेथड क्लियर हो गया थोड़ा सा आपको आदत लगाना है शिफ्टिंग मेथड पे नहीं तो यार किताबों में तो भतेरे प्रूफ दिए गए हैं कि पहले इसमें पाइथागोरस लगाओ उसमें लगाओ वो तो पूरी दुनिया को आता है आपको कुछ नया क्या आता है आप मुझे ये बताओ कुछ नया आता है तभी तो पेपर निकालोगे चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 26 कहा गया है फाइंड द पेरिमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ हुज ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस इज 4.8 एंड एरिया ऑफ राइट एंगल इज 2 uh, 24 सेंटीमीटर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन है ठीक है देखिए सवाल में ज्यादा दम नहीं है ठीक है हमें ज्यादा भगाना नहीं जाता बहुत तेजी में सेशन को हर एक सवाल को हर एक पॉइंट को बेहतर तरीके से मुझे आपके दिमाग में फिट करना है ताकि भैया आप जो है 200 में 200 लाके आ पाओ ये मेरी जिम्मेदारी है आपको 200 में 200 दिलाना अगर आपने मुझे कुछ पे किया है तो ये मेरा हक बनता है ठीक है और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको वो सभी गोल्डन कंसेप्ट दे सकूं वो सभी चीजें आपको बता सकूं जो आपके हित में है जिससे आप बढ़िया स्कोर कर सकें ठीक है तो इसीलिए आपको पूरी जानकारी मिलेगी चिंता करने की कोई बात नहीं है इसीलिए मैंने जब कहा था कि जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत कायदे से पढ़ाऊंगा और हर उस बात को समझाऊंगा ठीक है बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं सर एमटीएस आया सर ज्योमेट्री खत्म कर दो अरे दस दिन का हलवा है ठीक है, दस दिन में भी खत्म किया जा सकता है ज्योमेट्री ये बातें तुम्हें कौन बताएगा बताओ एक साल बाद दो साल बाद जब तुम पढ़कर इस लेवल पे आओगे ना तब पता चलेगा अच्छा ये सब भी ज्योमेट्री में पढ़ना होता है बहुतों को तो शिफ्टिंग पता भी नहीं होगा पहली बार नाम सुना होगा और पढ़ रहे होंगे एक साल दो साल से ठीक है तो इसीलिए तसली तो रखो हर बात जानेंगे अपन ठीक है चलो फाइंड द पेरिमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी द लेंथ ऑफ हुज ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस मतलब यहां से जिसका लंब जो है यहां से जिसका लंब हाइपोटेनस पर डाला गया है तो वो लंब कितना है भैया देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है एबीसी हो गया और एबीसी में क्या कहा गया है इस ऑल्टीट्यूड की लंबाई 4.8 कही गई है फिर उसके बाद कहा गया है पूरे का जो एरिया है वो कितना है 24 है पूरे का एरिया 24 है तो हमसे कहा गया पेरीमीटर बताने को इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर बताने को ठीक है <coughs> किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जब कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई चार दशमलव आठ सेंटीमीटर है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल चौबीस सेंटीमीटर स्क्वायर है बना पाएंगे सवाल बताइए अगर पूरे का एरिया 24 है तो मान लो आप इसको एसी को तो क्या बोलोगे हाफ इंटू बेस हमारा क्या है तो एसी है और इंटू हमारा हाइट कितना है ये हमारा नब्बे बना रहा है तो हाइट कितना है चार दशमलव आठ इसका मान सवाल में कितना दिया गया है तो चौबीस दिया गया है इसके दशमलव को उड़ाओगे तो नीचे दस आ जाएगा चौबीस से काटोगे तो दो बार में कटेगा दो से तुम्हारा दो यानी एसी का मान कितना आ जाएगा तो एसी का मान आपका दस आ जाएगा एसी का मान कितना आ जाएगा तो दस आ जाएगा अब यहां पर आपने एसी का मान समझ लिया कि भैया एसी का मान हमारा कितना आ रहा है तो एसी का मान हमारा 10 आ रहा है अब बड़ा महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे इसके अलावा सवाल में आपको और कुछ नहीं दिया गया है और आपसे कहा गया है एबीसी का पेरीमीटर बताने को तो देखो यहां से फिर से ये गेम किसका शुरू हो जाता है फिर से ये गेम ट्रिपलेट का ही शुरू हो जाता है ठीक है आप खुद बताओ दस हाइपोटेनस होता है तो कैसा ट्रिपलेट बनता है बताओ एक ही तो ट्रिपलेट बनता है आठ छ दस का इसके अलावा और कोई ट्रिपलेट बनता है जरा सोचना अगर ये दस होता है तो यहां पर ये आठ होता है और ये हमारा छ होता है ठीक तभी आप ऐसे भी कह सकते हो आठ इंटू छ अड़तालीस और चार दशमलव दो चार दशमलव आठ इंटू दस अड़तालीस यानी ए बी इंटू बी सी बराबर ए सी इंटू कितना हो जाता है यहां पर बी डी हो जाता है समझ में आ रहा है अब हम पेरीमीटर बता पाएंगे आठ छह चौदह चौदह और दस कितना हो गया चौबीस तो हमारा जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा चौबीस आएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया बात क्लियर है आ जाओ क्वेश्चन नंबर सत्ताईस पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर सत्ताईस में क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर सत्ताईस में कहा गया पी क्यू आर आपका एक ट्रायंगल है PQ का मान कितना है तो PQ का मान हमारा दिया गया है सवाल में तेरह है इसके अलावा PR का मान कितना दिया गया है तो सत्रह दिया गया है S जो है वो यहां पर इसका मिड पॉइंट है S इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका QR का मिड पॉइंट है मेरे भाई ठीक है जो PT है वो यहां एंगल बाई है बराबर बराबर कोनों में बांट रहा है और ये मान नब्बे है हमसे ये एस का मान पूछा गया है कि ये एस का मान बताइए ये एस का मान कितना होगा ठीक है हमसे ये एस का मान पूछा गया है समझ रहे हैं सवाल में कि ट्रायंगल PQR में PQ का मान 13 है PR का मान सत्रह जो है वो मिड पॉइंट है QR का पीटी जो है वो क्या है भैया तो एंगल बाईसेक्टर है किसका QPR का बाईसेक्टर है तो हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे बताइए ठीक है बताइए चलिए जरा सोचते हैं इस सवाल के ऊपर और इसी सवाल को हम थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं ठीक थोड़ा सा देखेंगे यहां पर ठीक है ये मान सवाल में दिया गया है और किसका किसका मान सवाल में कहा गया है तो कहा गया है सत्रह है ठीक है थीके? यहां पर यह जनाब तेरा है और ये जनाब सत्रह है और यहां पर एक मिड पॉइंट है जिसका नाम एस है और हमसे किसका मान पूछा गया है तो हमसे एस से लेकर टी तक का मान पूछा गया है कि ये जो एस टी है इसका मान कितना होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस टी ये एस टी का मान कितना होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है <coughs> इस सवाल को भी आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो जैसे पहला तरीका जो मेरे मन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं इस लाइन को थोड़ा सा और पीछे लेकर जाऊं अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा और पीछे लेके जा रहा हूं तो क्या होता है ये हमारा पूरा का पूरा लाइन मान लो यहां पर इसको मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये पी क्यू आर एस टी मान लो ये यू नाम है और ये पूरा का पूरा लंबाई कितना है तो पूरा का पूरा लंबाई सत्रह है ठीक है अब लो कि वो पॉइंट हमारा क्या है यू है समझ में आ गया ठीक है अब यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर ये नब्बे है ठीक इनके कोण के बारे में कोई भी बात कही गई है तो नहीं कही गई है ठीक है अब जरा ये दोनों ट्रायंगल में देखो ट्रायंगल पीटी क्यू में और ट्रायंगल पी टी यू में ये दोनों ट्रायंगल में देखो ये दोनों त्रिभुज में देखो तो ये दोनों त्रिभुज में आपने एक बात नोटिस किया आपने एक बात नोटिस किया कि ये दोनों एंगल बराबर और ये भी दोनों एंगल बराबर ठीक है दो एंगल हमारे बराबर हो गए और हमारा एक साइड भी बराबर हो गया हमारा एक साइड भी बराबर हो गया तो क्या ये यहाँ पर सर्वांगसम होंगे क्या यहाँ पर ये कांग्रुवेंट होंगे बता दीजिए कॉन्ग्रोवेंट होंगे कि नहीं होंगे जब हमारे दो देखो एक एंगल एक एंगल दो एंगल दो एंगल तो तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक तीसरे के बराबर हो जाएगा कहने की बात बात ही नहीं है और जब हमारे तीन एंगल बराबर हो जाएंगे और एक कोई भी साइड बराबर हो जाए ये वाली साइड दोनों में है मतलब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे कांग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है कि जितनी भुजा इसकी होगी उतनी ही भुजा उसकी होगी यानी यहां से हमें यह बात पता चल गया भैया कि अगर ये जो है PQ हमारा तेरह है तो P से लेकर U तक भी कितना होगा तेरह अब ये पूरा का पूरा मान सत्रह जिसमें यह तेरह है तो ये वाला मान कितना आ जाएगा तो ये वाला मान हमारा चार आ जाएगा उसी तरीके से अगर ये तेरह है तो ये तेरह ठीक है और यहां Q से लेकर T तक जितना है उतना ही T से लेकर यहां पर U तक है उतना ही T से लेकर इतना है यहां पर U तक है क्यों भैया यहां पर साफ तौर पर लिख दे रहे हैं ट्रैंगल पी क्यू टी जो है वो कॉन्ग्रोवेंट है है किसके ट्रायंगल पीटीयू के ट्रायंगल पीटीयू के ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रोवेंट होंगे तो ये तेरा तो ये तेरा जितना क्यूटी होगा उतना ही टीयू होगा यानी टी मिड पॉइंट हो जाएगा टी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा समझ में आ गया मेरी बात ठीक <coughs> है क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा अब इसको यहां से मिटाओ एक पल के लिए अब जरा गौर से देखो टी नाम का बंदा यहां पर है और मान लो एस नाम का बंदा यहां पर कहीं यहां पर होगा एस किसका मिड पॉइंट है तो एस क्यू आर का तो याद करो एक ट्रैंगल पढ़ा करते थे, 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 थे थ्योरम में हम वहां पर एक पॉइंट पढ़ते थे कि एबीसी नाम का कोई ट्रैंगल है यहां पर पी इसका मिड पॉइंट है और क्यू इसका मिड पॉइंट है तो इन मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये पूरे का क्या होता है आधा होता है जब इस मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो ये चार का कितना आ जाएगा आधा आ जाएगा यानी एस का मान कितना हो जाएगा तो एस का मान हमारा दो हो जाएगा याद आ रहा है कितना हो जाएगा दो तो इतना आसान क्वेश्चन है कि एस का मान कितना आ जाएगा दो ये तेरह था तो ज्वाइन करने पर ये भी तेरह अब ये तेरह आ गया तो ये चार आ गया और ये चार का आधा आ गया दो हो गया यानी यहां पर एस का मान कितना हो जाएगा दो सेंटीमीटर ठीक है क्लियर है बता दो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस देखो ये भी सवाल बहुत आसान है मुझे नहीं लगता इसमें मेरी कोई आवश्यकता है ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन है बट फिर भी देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे क्या कहा गया माय डियर क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया राइट right एंगल हमारा क्या है एबीसी है ये हमारा ए हो गया ये हमारा बी हो गया ये हमारा सी हो गया ठीक है डी जो है ट्राइंगल सी को दो पार्ट में बांट देता है डी नाम का पॉइंट है हमारे सी को दो बराबर पार्ट में बांट देता है और ये वही खूबसूरत सवाल आ गया जो मैं कह रहा था इक्वल पेरीमीटर में बांटता है ठीक है ये डी नाम का जो पॉइंट है ना ये सी को दो बराबर पेरीमीटर वाले पॉइंट में बांट देता है जहां पर आपका जो सी का मान है ये पूरा सी जो है वो कितना है हंड्रेड है ठीक है हमारा BC कितना है 80 है और एंगल B का मान 90 है तो अब ये बताओ ये 80 है ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 60 क्योंकि 6, 8 और 10 का क्या बनता है ट्रिपलेट यहां पर ये 8 का 10 गुना ये 10 का 10 गुना तो ये 6 का 10 गुना हो जाएगा कोई समस्या की बात यहां पे कहा गया है ये दोनों ट्राइंगल जो है ये दोनों पार्ट है इनका परिमाप बराबर है इनका पेरीमीटर बराबर है कैसे पेरीमीटर को बराबर करोगे तो मान लो कुछ पल के लिए बीडी की लंबाई को एक्स मान लो ए से लेकर

एक्स जमा हंड्रेड माइनस वाई के ये बराबर है इसके बताओ ठीक है आपका एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा ठीक है ये वाला वाई इधर आएगा तो हो जाएगा आपका टू वाई यहां पर एक सौ अस्सी में से साठ जाएगा तो हो जाएगा एक सौ बीस यानी वाई का मान कितना आ गया तो वाई का मान हमारा साठ आ गया वाई का मान कितना आ गया जनाब तो y का मान 60 आ गया अब y का मान 60 आ गया तो वैल्यू कैसे हो गई तो आप सीधा यहां पर बोलेंगे कि भैया ये 60 आ गया है तो ये 40 है उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद भी क्या हमारा सवाल बन पाया है सवाल में हमसे BD की लंबाई पूछी गई है ये BD की लंबाई अब ये हमारा साठ आ गया ऐसा तो है नहीं ये नब्बे बना रहा है कि हम इसके आधार पर बता दे नहीं बता सकते अब नहीं बता सकते तो कैसे करेंगे ये देखो तो अभी भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के ठीक है हम कॉस्थिटा का प्रयोग करके सवाल को बना सकते हैं यहां से आप किसका प्रयोग कर सकते हैं कॉस थीटा का आप कॉस ऑफ एंगल ए निकालिए बड़े वाले के लिए और वही कॉस ऑफ एंगल ए निकाल दीजिए छोटे वाले के लिए और दोनों कॉस ऑफ एंगल ए क्या कर दीजिए बराबर कर दीजिए ठीक है इसके अलावा और भी कोई तरीके हैं यहां से भी परपेंडिकुलर डार्क किया जा सकता है बट कोई फायदा नहीं मानो हमें यहां पर कॉस ऑफ एंगल ए बड़े वाले के लिए लगाते हैं कॉस ऑफ एंगल ए और ये एंगल ए किस में लगा रहे हैं तो हम एबीसी में लगा रहे हैं समझ में आया बात और फिर यही कॉस ऑफ एंगल ए जो है वो हमारा लगेगा ए बी और डी में ए बी और डी में याद रखना इस बात को और ये दोनो दोनों कॉस ऑफ एंगल ए बराबर होगा वही एंगल ए की वैल्यू दोनों जगह यहां पर जब कॉस ऑफ एंगल ए लगाओगे तो कॉस ऑफ एंगल ए का मान कितना आएगा बताओ कॉस एंगल ए का मान साठ का स्क्वायर देखते चलो यहां पे बड़े वाले के लिए लगाओगे तो साठ प्लस सौ बोलोगे सर साठ का स्क्वायर प्लस सौ का स्क्वायर ठीक है माइनस कितने का स्क्वायर तो माइनस अस्सी का स्क्वायर भाग करेंगे भाग करेंगे तो दो इंटू साठ इंटू सौ आ जाएगा आ जाएगा मेरे भाई यहां पर कोई दिक्कत की बात यहां पर कौस ऑफ एंगल लगाओगे तो बोलोगे सर साठ का स्क्वायर ठीक है फिर यहां पर ये जो वाई का मान है वो कितना आया है तो साठ का स्क्वायर माइनस यहां पर बी डी बी डी का मतलब क्या हो गया एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दो इंटू साठ इंटू साठ दो इंटू साठ इंटू साठ आ जाएगा कोई समस्या की बात आराम से हल करोगे तो एक्स का मान आपका निकल के चला आएगा दो इंटू साठ दो इंटू साठ को खत्म कर देगा एक जीरो दूसरे जीरो को खत्म कर देगा यहां पे ठीक है एक जीरो दूसरे जीरो को खत्म कर देगा ठीक समझ में आ गया हाँ पे 100 का स्क्वायर छत्तीस हो गया तेरह हजार देखो यहां पर ये आप ऐसे कर सकते हो सौ का स्क्वायर हमारा हो गया दस हजार और उसके बाद साठ का स्क्वायर हो गया हमारा छत्तीस सौ यानी साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि ये तेरह हजार छह सौ है अब तेरह हजार छह सौ में से कितने का स्क्वायर घटाना है अस्सी का यानी हमें चौसठ सौ घटाना है जीरो हो गया जीरो हो गया छे से चार दो तेरह से सात यानी बेहतर सौ तो यहाँ का जो मान आएगा वो कितना आएगा बेहतर शो और बेहतर शो आ गया जाएगा यहाँ का तो यह मान तो यहाँ लिख दीजिए कि ये मान आ चुका है हमारा बेहतर शो और बट्टे में कितना है तो बट्टे में हमारा दस है ठीक है छे यहां पर जो बचा हुआ इधर जाकर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा बराबर बराबर साठ का स्क्वायर छत्तीस सौ साठ का स्क्वायर छत्तीस सौ यानी बोलेंगे सर बहत्तर सौ छत्तीस और छत्तीस सौ कितना हो जाएगा तो बहत्तर माइनस कितना आ जाएगा तो एक्स का स्क्वायर जीरो से हमारा क्या हो जाएगा तो जीरो खत्म हो जाएगा जीरो से हमारा क्या हो जाएगा जीरो खत्म हो जाएगा ठीक है जीरो का हमारा जीरो खत्म हो जाएगा अब वो एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर और इसको गुना करो तो यहाँ पर फिर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर का जो मान है बेहतर सौ में से अब ये मान कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ बेहतर सौ में से घटाना है कितना घटाना है तो सात सौ बीस इंटू छा है आप कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है मत करो गुना कोई दिक्कत नहीं है सात सौ बीस दोनों जगह कॉमन है तो सात सौ बीस को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा दस और यहाँ बचेगा छः दस माइनस छ कितना होता है चार होता है यानी 720 सौ बीस इंटू चार तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 720 के 10 गुना में से उसका 6 गुना घटाएंगे तो 720 सौ बीस इंटू चार आएगा आएगा यहाँ पर ये 90 इंटू कितना है 90 इंटू आठ है ये 90 इंटू कितना है तो 8 है तो देखो यहां पर यहां पर इसको लिख सकते हो कि ये 90 इंटू आठ यहां पर और इंटू कितना है यहां पर 4 है ठीक है जब आप x की वैल्यू रूट में निकालोगे तो 90 का रूट कितना आ जाएगा तो आ जाएगा आपका ठीक है नब्बे को हम यहां लिख सकते हैं ना इसको कोई और संख्या में तोड़ा जाए बेहतर को नौ इंटू आठ में तोड़ा जा सकता है कैसे कैसे तोड़ेंगे देखो नौ इंटू आठ हो गया बेहतर ठीक है फिर इंटू हमारा हो गया ठीक है नौ इंटू आठ इंटू दो इंटू पांच इंटू चार हम ऐसे तोड़ सकते हैं नौ बेहतर फिर जीरो को दो इंटू पांच में तोड़ सकते हैं फिर चार को हम चार में नौ का रूट हमारा आ गया तीन आठ इंटू दो सोलह का रूट हमारा आ जाएगा चार चार का रूट हमारा आ जाएगा दो और पांच पे लगा दो रूट यानी चार दो नौबीस रूट पांच ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के लिए इतना लंबा मैंने किया हुआ है बाकी सवाल को बहुत शॉर्ट में किया जा सकता है जब आपका कलम आपके दिमाग से ज्यादा तेज चलेगा तो ये सवाल एक से डेढ़ मिनट के अंदर बन जाएगा जहां पर आपको एक्स का मान सीधा का सीधा देखो ये साठ आ जाएगा आप ऑन द स्पॉट यहां पर जो है कॉस्थीटा लगाओगे और बहुत शॉर्ट में सॉल्व कर लोगे आपको एक एक स्टेप में परेशानी ना हो आज से कुछ महीने बाद भी क्लास क्लासमेट देखो इस वजह से मैंने इसको इतने थोड़ा सा लंबे में बना दिया है ठीक है बाकी आप ऐसा कर सकते हैं <coughs> ठीक है भाई कोई दिक्कत की बात यहां पे यहां पर ये यह डी का मान नब्बे नहीं है इस बात को समझो अगर डी का मान नब्बे होता तो हम ट्रिपलेट नहीं लगा लेते कहा सवाल में डी का मान नब्बे दिया गया है नहीं दिया गया है सवाल में डी का मान नब्बे भूल जाओ क्या साठ और साठ अगर ये नब्बे होता है तो इसका बेस भी साठ और हाइपोटेनस साठ का भी ऐसा पॉसिबल था नहीं था ना ठीक है चलो तो जो है आगे एक सवाल देखते हैं अब आ जाओ यहां से सवाल थोड़े से आसान है क्वेश्चन नंबर से बहुत आसान क्वेश्चन है कहा गया एक के जो साइड है वो बीस है सोलह है और तेरा है तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है क्या ये ट्रेंगल ऑप्ट्यूज है क्या ये राइट है क्या ये ट्रेंगल एक्यूट right है, है या पता नहीं लगाया जा सकता आपको पता है सबसे बड़ी वाली भूजा कौन है बीस तो बीस का स्क्वायर करिए तो कितना आ रहा है बीस का स्क्वायर चार आ रहा है बाकी दोनों भूजाओं का स्क्वायर करिए तो सोलह का स्क्वायर कितना होता है तो दो ठीक है और उसके बाद तेरह का स्क्वायर कितना होता है तो एक कितना होता है मेरे भाई 169 जरा इनको जोड़ो यहाँ पे फिर बाद में रिलेशन लगाना कि इनके बीच में क्या आएगा इक्वल आएगा लेस देन आएगा ग्रेटर देन आएगा छ पांच एक ग्यारह दो एक तीन एक चार चार सौ पच्चीस और चार सौ मुझे बताओ यहाँ पर चार सौ पच्चीस सबसे बड़ा वाला ये रहा सबसे बड़ा वाला क्या रहा यहाँ पर तो ये बीस का स्क्वायर है समझ में आ गया बात और ये हमारा है सोलह का स्क्वायर और ये हमारा है तेरह का स्क्वायर तो हमें क्या करना होता है सबसे बड़े वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के स्कवायर के साथ चेक करना होता है अब यहां पर क्या होता है मेरे भाई यहां पर ये जो है वैल्यू है ये क्या है ये बड़ी है बड़ी है तो यानी अगर समझेंगे मेरी बात को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हमारा सी स्क्वायर से ग्रेटर आ रहा है तो ये ट्रैंगल एक्यूट होता है न्यूनकोन होता है अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस के बड़ा आ रहा है तो ये ट्रैंगल जो होता है वो राइट होता है ठीक है और अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा आ रहा है सी स्क्वायर से तो इसको हम कहते हैं ऑप्टूज ट्रायंगल आप मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है कि छोटा है बड़ा है मतलब ये कैसा ट्रायंगल हो गया तो एक्यूट हो गया तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है समझ में आ गया आ जाइए अगला सवाल देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर तीस सेम तरीके से कहा गया एबी बराबर बीसी बराबर के है और एसी का मान रूट टू के है तो एबीसी कैसा ट्राइंगल होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है एबी का भी मान के है BC का भी मान के है और AC का मान रूट टू के है साफ तौर पर यह दिख रहा है कि यह ट्रायंगल आइसोस्केलेस होगा क्यों क्योंकि इसकी दो भुजाएं जो है वो समान है इसकी दो भुजाएं समान है और एक बच्चा देखते ही तुरंत मारेगा आइसोस्केलेस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और आगे बढ़ जाएगा लेकिन गलती क्या कर दी उसने उसने आइसोस्केलेस देखने के साथ साथ यहां पर बाकी ऑप्शन को तो देखा ही नहीं राइट एंगल ट्रेंगल तो भैया चेक करो यहां पर ट्रैंगल बना के देखो कि अच्छा ठीक है ये साइड हमारा के है ये साइड

समझ में आ गया नहीं तो नजर पड़ी तो राइट पे राइट टिक कर दोगे नजर पड़ी आइसोस्केलेस पे तो आइसुस्ट ये दोनों है भाई साहब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ठीक है चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इकतीस लार्जेस्ट एंगल ऑफ ऑफ साइड सात पांच एंड तीन इसका सबसे बड़ा कोण जो होगा वो कितना होगा अगर हमारे साइड जो है वो सात है पांच है और तीन है तो हमें सबसे बड़ा साइड निकालना है तो यहां से क्वेश्चन नंबर इकतीस से क्वेश्चन नंबर चार तक हम लोग अगले क्लास में करेंगे दो क्लासेस लगेंगे मुझे जहां तक लगता है अगर एक क्लास ली डेढ़ घंटे की तो और नहीं तो दो क्लासेस एक एक सवा सवा घंटे में ये खत्म हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से खत्म हम इनको कर देंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल जो कि होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के लिए जिसमें इन सेंटर तो सेंटर सरकम सेंटर सभी बातों को पढ़ते हैं उसमें काफी मजा आने वाला है आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ठीक है और उसके बाद फिर हमारा पूरा ट्रायंगल जो है वो खत्म हो जाएगा मेन्सुरेशन के बहुत सारे पार्ट्स को हमने ट्रायंगल में ही खत्म कर दिया है तो उससे क्या होगा हमारा मेन्सुरेशन का जो वीडियो जाएगा या जो लेंथ जाएगी वो थोड़ी कम जाएगी ठीक है क्योंकि बहुत ऐसे पार्ट्स को हम ऑलरेडी ट्राइंगल में कवर करते चलेंगे ज्योमेट्री में कवर करते चलेंगे ठीक है तो जो टू वाला पोर्शन होगा ना वो ऑलमोस्ट हम यहीं पर कवर कर लिए होंगे बहुत ऐसे पॉइंट्स को ठीक है तो यहां पर रिवाइज करना है आज जितना मैंने पढ़ा है बाकी कल की क्लास में लाइव रहेंगे ठीक है धन्यवाद हाँ हेलो